मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व और सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से चार प्रकार के बंधों का वर्णन चल रहा था, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का वर्णन बताया जा चुका है। अनुभाग बंध में ही तीन सूत्र हैं, दो सूत्र कल पढ़े गए थे, एक विपाकोनुभव, दूसरा था स यथानाम। और आगे आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा। यह तीन सूत्र अनुभाग बंध से संबंध रखने वाले हैं। अनुभाग माने जो कर्म में बंध शक्ति के रूप में पड़ा है, फल देने की जो क्षमता कर्म में आई है, उसको जब उदय में आना होता है तब वह जो अनुभव कराता है उस अनुभव का नाम ही यहाँ पर अनुभाग बंध के रूप में बताया जा रहा है। वह अनुभव जो कर्म के उदय में हो रहा है वो अलग है, और जो कर्म के बंध के समय पर बांधा गया था वो अलग है। अलग इस रूप में है कि नाम, कल भी इस कारण को बताया गया था कि इन दोनों का नाम अलग 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 अपेक्षाओं से रखा गया है। जब कर्म का बंध होता है तब अनुभाग बंध होता है, वस्तुतः बंध की अपेक्षा से ही ये अनुभाग बंध है, और जब कर्म का उदय होता है तब अनुभव होता है, तब क्या होता है अनुभव। इसलिए जब हमें बंध होता है अनुभाग के रूप में, जिसे हम अनुभाग बंध कह रहे हैं, उस अनुभाग बंध के समय पर तो कोई भी उस कर्म का हमें फल मिलता नहीं और उसके फल की कोई अनुभूति हमें होती नहीं। अनुभाग बंध के समय पर हमने कैसे कर्म का बंध कर लिया ये हमको पता पड़ता नहीं। पता जब भी पड़ेगा तो वह जब उसका विपाक होगा, जब वो उदय में आएगा, जब उसका अनुभव होएगा तब पता पड़ेगा, है ना। तो कर्म के फल का अनुभव जो होता है वही यहाँ पर विपाक के रूप में कहा गया, और ये भी बताया गया कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना जैसा नाम है उसी के अनुसार उसके फल की अनुभूति भी होती है। कल कुछ आपको ज्ञानावरण आदि के विषय में बताया था, तो जैसे ज्ञानावरण कर्म है, जैसा नाम है वैसा ही वो अपने फल को भी दिखा रहा है कि अगर हमारे लिए कोई भी अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके फल नहीं दिख रहे हैं, तो ज्ञान के फल नहीं दिख रहे हैं तो किसके फल दिख रहे हैं? ज्ञान के जो आवरण पड़े हैं उसके फल दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कि ज्ञानावरण कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार हमें फल दे रहा है। तो उसी का तात्पर्य है यहाँ पर स यथा नाम, यानी वह जो अनुभव होता है जिस कर्म का जैसा नाम है उसी के अनुसार होता है। दर्शनावरणी कर्म का अनुभव उसी रूप में होगा कि वह हमें पदार्थों का प्रत्यक्ष से दर्शन न होने दे। अवधि ज्ञान से जो पदार्थों का दर्शन होता है, मन परे ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञानावरणी, केवल दर्शनावरणी कर्म होता है, तो वह भी दर्शन में बाधक बन रहा है। तो हमारी आत्मा में जो दर्शन नहीं हो रहा है सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से उन पदार्थों का, इसमें ये फल जो है वो कौन दे रहा है? तो यह दर्शनावरणी कर्म का फल है। इसी तरीके से वेदनी कर्म का फल तो अनुभव में आता ही है,
सुखरूप या दुखरूप, और मोहिनी कर्म के फल भी अनुभव में आते हैं, चाहे दर्शन मोहिनी हो चाहे चारित्र मोहिनी हो। दर्शन मोहिनी का फल जो मिथ्या बुद्धि होना, तत्व का श्रद्धा नहीं होना इस रूप में, और चारित्र मोहिनी के फल अनेक प्रकार की कसायों के रूप में, ये सबको अनुभूत होते हैं। तो इस तरह से जितने भी कर्म हैं वो सब अपने अपने नाम के अनुसार अपना अपना फल दे रहे हैं। इसी तरीके से आयु कर्म है, नाम कर्म है, सभी कर्म अपने अपने नाम के अनुसार फल दे रहे हैं और उसी फल की हम अनुभूति भी कर रहे हैं। अब देखो, नाम कर्म के भी फलों की अनुभूति शरीर के माध्यम से होती रहती है। जो घातिया कर्म है ये तो आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, तो ये तो हमारे लिए केवल आत्मा के गुणों से संबंध रखते हैं, तो इनको हम अपनी श्रद्धा से जान पाते हैं। किंतु नाम कर्म के फलों की अनुभूतियाँ भी सभी जीवों को होती हैं। जैसे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, जिस तरह का संस्थान या सहनन है उसका उदय है, जो भी विहायो गति है प्रशस्त या अप्रशस्त उसका उदय है, तो इन सभी नाम कर्मों के उदय का अनुभव हर जीव को हो रहा है। ये बात अलग है कि जीव उसका नाम नहीं जानता कि ये कौन सी विहायो गति है, ये कौन सा शरीर है, लेकिन फल तो सब उन्हीं कर्मों का मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं नाम कर्म के फल की अनुभूति कर रहे हैं। मनुष्य गति नाम कर्म है तो हमें मनुष्यों जैसी अनुभूति होगी। अब एक तरफ आप पशु को रखो अपने सामने किसी त्रियंश को, और एक तरफ आप बैठ जाओ, और फिर दोनों के भावों को इस नाम कर्म के अनुसार देखने की कोशिश करो कि जैसी आपके लिए मनुष्य रूप में अनुभूति हो रही है वैसी उस त्रियंश को नहीं हो सकती, और जैसी उस त्रियंश को त्रियंश के रूप में अनुभूति हो रही वैसी आपको नहीं हो सकती। नहीं समझे? तो वह दिख तो सब रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये मनुष्य गति नाम कर्म के कारण से मैं मनुष्य हूं, और ये त्रियंश गति नाम कर्म के फल से त्रियंश के रूप में है। तो ये फलों की अनुभूति हमें इन कर्मों के नाम के अनुसार समझ में आती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम ये समझ सकें कि किस कर्म के फल से हमको क्या मिल रहा है ना। तो कौन सा शरीर है हमारा, प्रत्येक शरीर है कि साधारण शरीर है? प्रत्येक शरीर है, प्रत्येक शरीर होने के कारण से हम अपने शरीर को खुद व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके मालिक हैं। और जो साधारण शरीर वाले जीव होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक इंद्रिय होते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह की जो शरीर की रचनाएं और विशेषताएं हैं उन सब की जो फलानुभूति है वही यहाँ पर स यथा नाम इस सूत्र से कही गई है। हर कर्म की अपनी फलानुभूति अपने नाम के अनुसार। गोत्र की भी फलानुभूति होती है। उच्च गोत्र होगा तो आपके अंदर हमेशा उच्च आचरण जैसे भाव रहेंगे, है ना। नीच गोत्र की फलानुभूति होगी तो निम्न कार्यों में मन लगेगा, नीच कार्यों में इच्छा होगी, नीच आचरण बन जाता है। तो यह वो गोत्र कर्म की ही फलानुभूति है जिसके कारण से उच्च गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी निम्न कार्य नहीं करता। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जैन कुल में पैदा हुआ है तो उससे कहा जाए कि भाई ये चूहा मार दे, है ना, ये बिल्ली मार दे, तो उसको नहीं भी समझाया गया होगा तो भी वो डरेगा, वो नहीं, हम नहीं मार सकते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये बिना समझाए हुए ये किससे हो रहा, तो ये गोत्र कर्म के कारण से हो रहा। उच्च कुल में इस तरीके के हिंसा आदि कार्य नहीं होते, इसलिए उच्च कुलीन लोगों के लिए ये जो उच्च गोत्र की अनुभूति हो रही है उसके कारण से हो रही है। समझ आ रहा है? ऐसा अपने आप अगर कोई व्यक्ति कभी भी, है ना, आलू भी खा लेता है तो भी, जैन होकर के भी खा लेता है तो भी सकुचाता तो है मन में, है? जब उसे पता पड़ता है जैन लोग आलू नहीं खाते तो मन में भीतर से भाव तो आता है कि मुझे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, खा रहा हूं, इतना तो होता है। तो उसके अंदर ये किस लिए,
थोड़ा उसके अंदर उच्च गोत्र का कोई फल है, लेकिन परिस्थितिवत वो वैसा नहीं कर पा रहा। तो बहुत से ऐसे काम जो उच्च आचरण के होते हैं, ये उच्च गोत्र की फलानुभूति से हो जाते हैं। इस तरह से नाम कर्म के फल, गोत्र कर्म के फल, ये सभी आत्मा इन सब फलों को भोग रहा है। अब यहां पर एक चीज और अच्छी समझने योग्य है कि जो भी हमें कर्मों के विपाक मिलते हैं, विपाक को आचार्यों ने चार रूपों में विभाजित किया है। कितने रूपों में? चार रूपों में, है ना। एक कहा जाता है ये जो कर्म प्रकृतियां बताई गई, ये जो ज्ञानावरणी से लेकर के पूरे अंतराय कर्म तक जितने भी भेद बताए गए, इन सभी कर्मों में कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो जीव के अंदर ही डायरेक्ट फल पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं जीव विपाकी कर्म। क्या बोलते हैं? जो जीव में ही फल पैदा करते हैं, यानी जीव को ही उसकी फलानुभूति डायरेक्ट होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुद्गल विपाकी होते हैं, पुद्गल में उसका फल मिलता है और फिर जो है जीव इनडायरेक्टली उस फल की अनुभूति करता है, लेकिन फल जो डायरेक्ट कर्म का मिलता है वो किसमें मिलता? पुद्गल में। पुद्गल माने शरीर में। तो शरीर में उन कर्मों का फल आएगा तो वो कहलाएंगे पुद्गल विपाकी कर्म। समझ रहे ना? जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्म है, ये तो डायरेक्ट जीव ही अनुभूत करता है, तो ये सब क्या है? ये सब जीव विपाकी कर्म है, है ना। नाम कर्म के बहुत से भेदों में ये पुद्गल विपाकी कर्म आ जाते हैं जिनसे शरीर की रचना होती है, औदारिक शरीर, नाम कर्म इत्यादि, और फिर उसके जो संरचना है, संस्थान है, ये सब क्या है? ये पुद्गल विपाकी में आ जाता है। और एक होते हैं क्षेत्र विपाकी। क्या बोलते हैं? क्षेत्र विपाकी में वो कर्म आ जाते हैं जो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में सहयोगी बनते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से गत्यानुपूर्वी के रूप में कहा गया है। जो चार प्रकार की गत्यानुपूर्वी बताई गई, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंश गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। तो ये कर्म का फल कब तक मिलेगा? जब कोई जीव एक शरीर को छोड़ करके जब तक दूसरा शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है, तब तक के लिए ये कर्म फलित होता है, तो उसको गत्यानुपूर्वी नाम दिया गया। तो ये गत्यानुपूर्वी इस तरीके से हो जाती हैं। और जो चार प्रकार की आयु है, इन्हें भव विपाकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भव विपाकी, यानी उसी भव में इनका फल मिलता है, जैसा भव मिल जाएगा। तो आयु कर्म के फल से उस तरह की उसकी भव में उसका विपाक अनुभव होएगा, तो वो उस शरीर में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा आयु कर्म के फल से। तो इस तरह से इनको चार रूपों में भी विभाजित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पर यथा नाम कहा गया है, इन यथा नाम को आप कितना ही विस्तारित कर सकते हो। अब इसी को यहाँ पर आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा। अब जब ततश्च माने उसके बाद, उससे या तदोपरांत, क्या हो गया? कर्म की निर्जरा हो गई। किसके बाद निर्जरा हो गई? जब हमने कर्म का अनुभव कर लिया, तो कर्म का अनुभव होने के बाद ही कर्म की निर्जरा हो जाती है। निर्जरा माने वो कर्म हमारी आत्मा से झड़ गया, यानी बंधा हुआ कर्म जब तक हमारी आत्मा से नहीं झड़ता तब तक कहलाता है बद्ध। क्या बोलते हैं उसको? बद्ध। कुछ शब्दों के भी अपनी मीनिंग होते हैं, है ना। बंध में और बद्ध में अंतर होता है। बंध उसे कहेंगे जो हो रहा है, जो हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, और जो बंध चुका है, बंध करके गया है, वो कहलाएगा बद्ध, जो बंध गया है। तो जो बद्ध कर्म है, उस बद्ध कर्म का जब फल मिलेगा तो वह उदय के रूप में आने पर ही मिलेगा। जब कर्म का उदय होगा तभी उस कर्म के फल का अनुभव होगा, और जब उस कर्म का फल अनुभव में आ गया तो ततश्च निर्जरा, बस उसके बाद उसकी निर्जरा हो गई, यानी कर्म हमारी आत्मा से अलग हो गया। कर्म तब तक अलग नहीं होता जब तक कि उसके विपाक से हमें उसका कुछ ना कुछ अनुभव न हो जाए, चाहे वो अनुभव स्वमुख से हो या परमुख से हो, लेकिन अनुभव होने के बाद ही उस कर्म की निर्जरा हो जाती है।
क्योंकि अनुभव का मतलब है कि कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण करके अब आ गया, उसने अपना फल दिया और फल देने के बाद वो झड़ गया। यानी जो कर्म वर्गणा के जो परमाणु हमारी आत्मा में हमारे द्वारा बंध गए थे वो अब हमसे हट गए। कब हट गए? जब उनका टाइम पूरा हो गया, वो फल दिए और निकल गए, ये उनका झड़ना कहलाया। तो जब ये हो जाएगा तो वो कहलाएगी निर्जरा। अब यहां पर जो निर्जरा होती है वो निर्जरा जो सामान्य जीवों में चलती रहती है वो भी एक निर्जरा होती है, और एक निर्जरा होती है जिसको हम विशेष कारणों से अपने अंदर करते हैं। ऐसी निर्जरा भी दो प्रकार की हो जाती है, एक कहलाती है सविपाक निर्जरा, एक कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो किसी भी प्रकार की निर्जरा हो, आचार्य कहते हैं अनुभव होने के बाद ही उसका अभाव होएगा। कर्म का अभाव कैसे होएगा? जब कर्म फल दे देगा तभी उसकी निर्जरा होगी। तो दोनों प्रकार की निर्जरा में कर्म फलानुभूति है। एक निर्जरा तो ऐसी है जो समय पर हो रही है, अपने आप हो रही है, और दूसरी निर्जरा ऐसी है जिसे हम समय से पहले ला करके उसकी अनुभूति करके उससे हम अपना भाव छुड़ा रहे हैं। तो ये कहलाता है एक तरह की अविपाक निर्जरा। अब जब तक अविपाक निर्जरा नहीं होगी तब तक कभी भी ये संसार का चक्र रुकने वाला नहीं। सविपाक निर्जरा से संसार का चक्र नहीं रुकता, क्योंकि वो तो कर्म अपने जितना फल दे रहे हैं उतना बंध भी रहे हैं, और जितना स्टोरेज में है उतना स्टोर में पड़ा हुआ है। तो वो तो जो है एक बैलेंस हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है। जब तक उस कर्म की बलपूर्वक निर्जरा न की जाए, अविपाक निर्जरा न की जाए, तब तक उस कर्म की निर्जरा के माध्यम से आत्मा में कर्म का भार हल्का होता नहीं। इसलिए जो अविपाक निर्जरा होती है उसके लिए कुछ विशेष साधन करने पड़ते हैं। जो भी साधन हैं वो आपको आगे संवर निर्जरा का जब प्रकरण आएगा, आने ही वाला है ना, 9वें अध्याय से, तो उसमें आपको वो साधन बताए जाएंगे जिनके माध्यम से विशेष रूप से इन कर्मों का हम निर्जरा करते हैं और समय से पहले उनको खपाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये निर्जरा इसलिए लिखना पड़ी क्योंकि जो कर्म की फल की अनुभूति हमें हो रही है वो दोनों प्रकार से होती है। एक तो जो समय पर कर्म जा रहे हैं वो भी हमारे अनुभव में आ रहे हैं, और जो कर्म हम अगर बलपूर्वक उन्हें समय से पहले ला करके खींच करके भी अपने फल देने योग्य बना देते हैं तो वो भी हमारे लिए अनुभूति में आते हैं। और दोनों प्रकार की निर्जरा से अनुभाव यानी अनुभव हमें होता ही रहता है। तो ये कर्म फल का जो अनुभव हमें हो रहा है इस अनुभव होने के बाद ही वह निर्जरा हो जाती है। इसलिए कर्म की निर्जरा का सबसे बड़ा कारण है बलपूर्वक कर्म के फल का पहले से ही अनुभव कर लेना। क्या कहा जा रहा है? बलपूर्वक। बलपूर्वक माने हमें उन कर्मों के फलों को पहले ही अनुभव करके उन्हें खिरा देना है, है ना। तो क्या होगा, जब भी आप कभी भी निर्जरा करेंगे, बलपूर्वक कर्म को अनुभव में लाएंगे तो आपके लिए उसमें कष्ट होगा। कैसा कष्ट होगा? जब कर्म समय से पहले आकर के आपको फल देंगे तो किसी भी तरह का फल दे सकते हैं, अच्छा भी दे सकते हैं बुरा भी दे सकते हैं, है ना। तो बुरा दिया तो उस बुरे फल को भी अनुभव में लाना, और वो अनुभव में आए बिना जाएगा नहीं, और उसके बिना वो स्टोर खाली होगा नहीं। तो वह कर्म के फल की अनुभूति करने के लिए अगर किसी भी तरीके का कष्ट भी होता है तो वह भी सहन करना ही पड़ता है, समझ आ रहा है। और वो कष्ट इस रूप में आ जाता है कि अगर आप कभी भी अगर आपके मन में कोई भी तरीके से कर्म की निर्जरा करने का भाव आएगा तो आप तो चाहोगे कि हम थोड़ी करें, लेकिन उस बल के कारण से कर्म की निर्जरा ज्यादा भी अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है? आप अगर थोड़ा सा कोई तप करेंगे, कोई व्रत लेंगे, कोई नियम पालन करेंगे तो उसके साथ में अनेक तरीके के कष्ट भी आपके लिए आ सकते हैं उसी के माध्यम से। आप कहोगे ये कष्ट तो हमें इसी व्रत के कारण से आ गए,
तो व्रत के कारण से कष्ट तो आए, लेकिन आपको अगर निर्जरा का ज्ञान होगा तो आप समझोगे कि इस कर्म की निर्जरा हुए बिना कभी भी इन व्रतों का फल हमें अनुभव में आएगा नहीं। सुन रहे हो? एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप कभी अपने मन में ऐसा विचार करना कि आज हमें भोजन अंतराय को पालन करने के साथ में करना है। अंतराय समझते ना, मान लो कोई भी हमें बाल आ गया, चींटी आ गई, तो हम भोजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी भी आपको भोजन में कभी बाल नहीं दिखते होंगे, कभी चींटियां नहीं दिखती होंगी, लेकिन अगर आप नियम लेकर के बैठोगे तो आपको दो चार दिन में दिखने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? क्यों? आपने अपना नियम बनाया, तो नियम बनाने के साथ ही वो कर्म जो बलपूर्वक पहले कभी आपको, बाद में धीरे धीरे वो आकर के अपना फल देते, वो एक साथ आकर के आपको फल देने लग गए। इसलिए उस समय पर आपकी निर्जरा भी अधिक होगी, लेकिन आपको वह कष्ट सहन करना पड़ेगा। अब आप चाहो कि अब देखो ये क्या होने लगा, हमने नियम लिया था अच्छे के लिए और ये तो हमारा भोजन ही नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो उसमें जो आप समता रखेंगे, उस समता से ही कर्म की निर्जरा होने के बाद में फिर ऐसा फल मिलेगा कि एक बार जब वो पाप कर्म झड़ जाएगा तो फिर आपको लंबे समय तक वो प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं आएगी, है ना। अब एक बंधु रह गया जिसका नाम क्या है, प्रदेश बंधु। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशाः। प्रदेश माने उन कर्म के परमाणुओं की संख्या, कितनी संख्या में वो कर्म परमाणु हमारी आत्मा में एक बार में बंध जाते हैं, उन बंध को यहां पर प्रदेश बंध के रूप में कहा जाता है। तो यहां कह रहे हैं नाम प्रत्यय। नाम प्रत्यय का मतलब होता है कि जैसा नाम है वह नाम ही उस प्रदेश बंध के लिए कारण हो जाता है। क्या कारण हो गया? नाम ही कारण हो गया। नाम कारण होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आठ प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आदि, तो उनमें जिस कर्म का जैसा नाम है उस नाम के कारण से उतने प्रदेश, उतने परमाणु, उतनी संख्या के उसमें अपने आप चले जाएंगे। यानी आठ कर्मों में विभाजित होने के लिए कर्म परमाणुओं का एक अपना क्रम बना हुआ है। क्या समझे? एक बंध तो हुआ केवल एक कार्बन शरीर के रूप में और कर्म परमाणुओं का बंध हुआ था, लेकिन वो बंध जैसे ही हुआ आत्मा में तो वो आठ रूपों में डिवाइड हो जाता है। कितने में? आठ कर्मों में, है ना। हाँ, अगर आयु का बंध हो रहा होगा तो आयु के लिए भी हो जाएगा, और आयु का बंध नहीं हो रहा होगा तो कम से कम सात में तो विभाजित हो ही जाता है। तो वह जो जा रहा है द्रव्य, है ना, अमाउंट जो है, वो क्वांटिटी जो उस कर्म की है, वो किसको कितनी मिलेगी, इसका भी एक गणित बताया गया है। तो वो गणित किसके अनुसार चलता है? वो चलता है अपने अपने नाम के अनुसार, है ना। शॉर्ट में इतना जानना है कि वेदनी कर्म को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है। किसको? हाँ, क्योंकि उसी की हम अनुभव करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। बाकी का सब कर्मकांड जब आपको पढ़ना होगा तब पढ़ना, ठीक है। नाम प्रत्यय माने नाम के कारण से ये प्रदेश बंध होते रहते हैं। अब यहां दूसरा विशेषण दिया गया सर्वतः। क्या कहा गया? सर्वतः। सर्वतः माने होता है कि सभी प्रकार के भवों में, यूं समझना, यानी कोई भी भव हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे नरक का हो, चाहे त्रियंश का हो या देव का हो, या किसी भी आयु वाला कोई भी भव हो, किसी भी इंद्री वाला कोई भी स्थान हो, हर भव में इस प्रकार से प्रदेशों का बंध होता ही रहता है। यानी प्रदेश बंध जहां होगा वहां पर सभी प्रकार के बंध पड़ेंगे, स्थिति अनुभाग बंध भी पड़ेंगे। तो जहां पर ये कर्म के बंध हो रहे हैं वो कर्म के बंध सभी भवों में होते रहते हैं। और आत्मा में जब भी कर्म प्रदेशों का बंधना होता है तो वो आत्मा के ही स्थान में, आत्मा के ही प्रदेशों में
उन कर्मों का एक मेक होकर के संश्लिष्ट बंद होता है। यह बंद हमेशा हर जीव में हर समय पर चलता रहता है। इसलिए यहां सर्वतो माने हर भाव में, ये जानना कोई भी भाव में छूटता नहीं कर्म का बंद होना। फिर कहते हैं योग विशेषात, प्रदेश बंद में विशेषता जो आती है वो किससे आती है, योगों की विशेषता से आती है ना। योग का मतलब हो गया जो आपके मन वचन और काय हैं, इन्हीं की विशेषता से योगों में विशेषता आ जाती है। जिस जीव के पास में जितने योग होंगे उसके अनुसार ही उसमें प्रदेश बंद होंगे। जैसे एक इंद्रिय जीव में केवल काय योग ही होता है, दो इंद्रिय से वचन योग भी शुरू हो जाता है, संगी पंच इंद्रिय में फिर मनोयोग भी हो जाता है। तो जितना जितना आपके लिए बाहरी साधन इंद्रिय आदि मन आदि के रूप में मिलते चले जाएंगे, उतनी उतनी भीतर से योगों की शक्ति भी लगती चली जाएगी और उतना ही उतना कर्म का बंध भी अधिक अधिक होने लग जाएगा। तो ये भी बात है कि एक इंद्रियों के लिए तो बिल थोड़ा आता है ना, क्योंकि वहां पर प्रदेश बंद कम है ना। जैसे जैसे योग बढ़े, वचन योग आ गया और थोड़ा बिल बढ़ गया है ना, और उसके बिना काम भी नहीं चलता महाराज। अब जितना बड़ा आदमी होगा तो बड़ी बड़ी चीजें भी घर में होंगी है ना, और बड़ा आदमी हुए बिना काम चलता नहीं। तो इसलिए जब संगी पंचेंद्री हो जाता है तो उसके पास में तीनों योग हो गए, काय योग भी हो गया, वचन योग भी हो गया, मनोयोग भी हो गया, और तीनों खूब चल रहे हैं है ना, किसी की योग की कोई कमी नहीं है, है ना। तो वह जो योग चल रहे हैं उन योगों के माध्यम से खूब कर्मों का आश्रय भी चलता रहता है। तो बिल्कुल जैसे लाइट हमेशा अलग अलग तरीके की चीजों से फूकती रहती है, वैसे ही इन योगों की शक्ति बढ़ जाने से खूब कर्मों का आश्रय भी होता रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि जितनी शक्ति भी ज्यादा होगी जिस जीव के पास में, उतना ही उसके लिए और योग और स्ट्रांग होएगा, है ना, क्योंकि शक्ति भी तो आत्मा में ही आ रही है। तो वह सहनन के ऊपर डिपेंड जो योग है वो भी उसकी आत्मा में होता है और उसके कारण से भी योगों की शक्ति और बढ़ जाती है। तो योग विशेषात का मतलब है जिसका जैसा योग होगा, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति जिसकी जैसी होगी उसी के अनुसार कर्मों का निरंतर, कर्मों की जो अमाउंट है, उनकी जो परमाणुओं की संख्या है वो उसमें कमती बढ़ती होती रहेगी और निरंतर उसके अंदर बनती रहेगी। ये किससे बनेंगे, योग विशेष से, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके योग शांत होते हैं तो उस समय पर कर्म प्रदेशों की संख्या भी कम होगी। शांति तो कहाँ होती है, योगों की शांति तो कहीं मिलती नहीं है, है ना। मन वचन काय की शांति का मतलब है मन वचन काय की एकाग्रता। जब एकाग्रता हो तो शांति हो, तो एकाग्रता तो होती नहीं, समझ आ रहा ना। तो एकाग्रता आपकी अपने ही कारणों से जो डिस्टर्ब रहती है उसी के कारण से यह योगों के माध्यम से कर्म का बंद होता रहता है ना। तो वह एकाग्रता कई लोगों के तो स्वभाव में ही होती है। अगर आपने कभी अपने, कहना चाहिए अपनी अच्छी सही उम्र में, है ना, युवा अवस्था में अगर आपने कभी योगों को एकाग्र करना नहीं सीखा तो बुढ़ापे में तो योग एकाग्र कभी होते ही नहीं, वो तो वैसे ही फिर सिर हिलता रहता है ना। कंपन तो अपने आप आ ही जाते हैं, पैरालिसिस नहीं भी हो तो बुढ़ापे के कारण से भी कंपन बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो योग बढ़ जाते हैं, है ना। तो जैसे काय योग बढ़ जाता है वैसे मनोयोग भी बढ़ जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया जिसके योग विशेष होंगे, विशेष माने जितने ज्यादा अस्थिर होंगे, चंचल होंगे, जितने ज्यादा उसके योगों की प्रवृत्तियां अधिक होंगी उसके लिए कर्म प्रदेशों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए योग करने का मतलब है अपने इन योगों को शांत करना। क्या समझे, योग योग अरहम ध्यान योग, इसलिए ध्यान डाला गया उसमें, है ना, कि ध्यान से अपने इन योगों को कंट्रोल करना, इसलिए अरहम ध्यान योग। बाकी तो सब जितने भी योग हैं वो आपके योगों को और ज्यादा चंचल बनाएंगे, और अरहम ध्यान योग से क्या होगा, आपके योग कंट्रोल होंगे, शांत होंगे, समझ आ रहा है। इसलिए ये योग विशेष जो चलता रहता है इसको समझ करके ही आप योग किया करें।
फिर कैसे होते हैं वो जो कर्म परमाणु बनते हैं, यहां पर उनकी क्वालिटी अब बताई जा रही है, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं कर्म वर्गणाएं, कैसी होती हैं? सूक्ष्म होती हैं, वो कभी किसी के लिए देखने में तो आती नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का वो विषय बनती नहीं। हम इतना कर्मों का जो विवरण दे रहे हैं, इतनी बात बता रहे हैं, कुछ भी आप कहोगे महाराज कुछ दिखाओ तो देखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपके लिए अनुभव करने में आएगा, और अगर आप तर्क सहित भी जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, है ना। तो वो कारण क्या है? तो हर कार्य का ये कारण, ये कर्म है, उन कर्मों के कारण से ही हमारी ये सारे के सारे जीवन की चीजें चल रही हैं और ये जीवन की प्रक्रिया बनी हुई है। तो इस तरह से हम जो एक अनुमान ज्ञान लगा सकते हैं, उस अनुमान प्रमाण से आप तो जान सकते हैं, लेकिन आप कहो हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखा दें तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखाया जा सकता। समझ में आ रहा है? प्रमाण जानते हो, ज्ञान प्रमाण इन दो प्रकार के होते हैं ना, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, है ना। हाँ, परोक्ष में ही अनुमान आ जाता है। तो प्रत्यक्ष से जो चीजें नहीं देखने में आती हैं उन्हें अनुमान प्रमाण से निश्चित करके बताया जाता है। इस कार्य के लिए यह कारण होगा तभी यह कार्य होगा, अन्यथा यह कार्य घटित नहीं होगा। ये जो कारण कार्य का संबंध है ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। आपका शरीर मनुष्य का ही क्यों बना, कोई आपसे पूछे, आप दुनिया में किसी वैज्ञानिक से पूछ के बता दो, है? मनुष्य का ही क्यों बना, तो उसके लिए जो कारण है वो कारण दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक होगा ऊपरी कारण बताएगा, क्योंकि आप मनुष्य से जन्म लिए। समझ आ रहा है? मनुष्य से जन्म लिए तो मनुष्य में भी जन्म लेने के लिए ही हम वहां पर मनुष्य के ही योनि में क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए? तो यहां पर फिर साइंस चुप हो जाएगा, तब उसको ये बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये जो अदृश्य कारण है वही कारण ये कर्म का उदय है, ये कर्म के फल हैं जिसके कारण से कोई जीव मनुष्य में आता है, कोई जीव पशु योनि में जाता है। तो इस तरह के इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये अनुमान प्रमाण से इन वर्गणाओं को जानते हैं। इसलिए यहां आचार्य कहते हैं ये होते कैसे हैं, ये सूक्ष्म है। कैसे हैं ये? सूक्ष्म है। और ये कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह स्थितः। कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है कि जहां पर आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में ही, उसी पॉइंट पर, उन्हीं स्पेस में वह कर्म के प्रदेश बंध जाते हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं वो। तो जो स्थित रहते हैं वही वहीं पर डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्गणाएं दुनिया में फैली हुई है वो सब हम खींच लेते हैं, खींचते कुछ नहीं है। जहां पर जो आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म परमाणु स्थित हैं वही वहां पर स्थित हुए परमाणु उस आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां पर वह आत्मा में कर्म के परमाणु वहां पर उसके साथ में स्थित न हो। तो ये एक क्षेत्र का मतलब है आत्मा का जो क्षेत्र यानी स्थान है उसी पर इनका अवगाह है कर्म परमाणुओं का, वो वहीं पर स्थित रहते हैं। और जब भी कभी कर्म का बंध होता है तो सर्वात्म प्रदेशेषु, कहां होता है? आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल हाथ हिला रहे हैं तो केवल हाथ में ही कर्म का बंध होगा, प्रदेशों में ही कर्म परमाणु ज्यादा आएंगे, वो आएंगे तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में जाएंगे, है ना। किसी भी अंग उपांग के अधिक संचालन होने पर भी कर्म प्रदेशों की संख्या पूरी आत्मा में एक समान रूप से बंध को प्राप्त होती है। तो सभी आत्मा के प्रदेशों में बंध होता है, आत्मा के कोई ऐसे प्रदेश नहीं है जो निश्चल हो, वहां पर कोई गति नहीं हो रही हो, वहां पर प्रदेश बंद ना हो रहा हो, ऐसा नहीं है। सभी आत्मा के प्रदेशों में बंध होता है, और जो बंध होता है उनकी जो संख्या है वो अनंतानंत प्रदेशा, कितनी है वो? अनंतानंत है, यानी संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, अनंत से भी बढ़कर के है, जिसको अनंतानंत कहा जाता है। ऐसी अनंतानंत संख्या में यह कर्म प्रदेशों का बंधना आत्मा में हर समय पर चलता रहता है। एक समय में जो कर्म बंधते हैं उसे समय प्रबद्ध, ये एक नाम दिया गया है, उस समय प्रबद्ध के अनुसार उस आत्मा में कर्मों का बंध होता रहता है। तो यूं समझ लो कि अनंतानंत कर्म परमाणु
हर समय पर आत्मा के अंदर बंध रहे हैं और बंधने के बाद में वो 8 रूपों में डिवाइड हो रहे हैं और सब में अलग अलग प्रदेशों की संख्या उनकी अमाउंट अलग अलग पहुंच रही है और वो सब अपनी स्थिति के अनुसार रहते हैं। और फिर जब हमें अपनी स्थिति पूरी करके फल देते हैं तब हमें उसका अनुभव होता है। और इस तरह से ये प्रक्रिया के माध्यम से चारों प्रकार के बंध हमारी आत्मा में हर समय होते रहते हैं और इसी के माध्यम से इन चारों बंधों का प्रकरण ये पूर्ण हो जाता है। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।